ऋचा जोगी का जाति प्रमाण पत्र निलंबित हो गया है। जिला जाति सत्यापन समिति ने इन्हें निलंबित किया। ऋचा जोगी द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की समीक्षा के बाद जाति प्रमाण पत्र निलंबित किया गया है। बता दें कि इसके पहले ऋचा जोगी के भाई ऋषभ साधु ने समिति के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखा था। पूरे प्रकरण को राज्य स्तरीय जाति छानबीन समिति को भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि सोमवार को ऋचा जोगी ने जवाब के लिए कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए 10 दिनों का वक्त मांगा था। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अधिनियम 2013 के संशोधन और जिला समिति के नोटिस को चुनौती दी थी। साथ ही कांग्रेस पर जाति प्रमाण पत्र रद्द करवाकर मरवाही उपचुनाव लड़ने देने से रोकने का आरोप भी लगाया। गहन समीक्षा की गई और विश्लेषण किया गया, उसके बाद निष्कर्ष के आधार पर जो वह जाति प्रमाण पत्र संदेह से परे साबित नहीं होने के कारण प्रथम दृष्टया उसको अभी निलंबित किया गया है और उच्च स्तरीय जांच के लिए छानबीन समिति राज्य स्तर पर जानकारी भेजी जाएगी। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रीमती ऋचा जोगी का आज जाति प्रमाण पत्र केवल इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि वे स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और डॉक्टर रीनू जोगी जी की बहू हैं और मेरे बेटे की माँ हैं। सरकार किसी भी सूरत में उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूले nationupdate.in। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।